सर? बेलगुआ जी तहसील कौन सी लगती है? तहसील आंवला। आंवला। जिला? बरेली। बरेली। जैसे कि दोस्तों मैंने काफी वीडियो बनाई है एग्रीकल्चर में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, और अभी नई वीडियो, आज तारीख क्या है सर? आज तीस तीस तारीख अक्टूबर 30 है। 30 है। 30 अक्टूबर 2019 में ये वीडियो हम बना रहे हैं। और नाम क्या है सर आपका? जुगल किशोर। जुगल किशोर जी। और सर को तो सभी लोग जानते हैं, वीडियो में काफी देखा होगा। धीरेंद्र सिंह जी हैं। आंवला में जो ऑर्गेनिक नेटसर्फ बायोफिट को स्टार्टिंग जो करी है वो धीरेंद्र जी ने करी है। और अभी हम इनके साथ जुगल किशोर जी का खेत देखने आए, मिर्च की फसल देखने आए हैं। और जुगल किशोर जी, इस खेत में मिर्च का जो पूरी फसल आपने स्टार्टिंग से लेके जो भी अनुभव रहा आपका, आपने क्या लगाया, कैसे लगाया, क्या फायदे मिले, बताएंगे? सब नेट सर्फ की दवा लगाई है और नेट सर्फ के ही जो प्रोडक्ट है वो यूज किए हैं। कोई केमिकल आपने यूज ही नहीं किया? केमिकल थोड़ा बहुत खाद यूज किया है, डीएपी। डीएपी आपने थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया है? थोड़ा। अच्छा, बाकी अपना जो सेठ, स्टिमरिच, बायो 95, इंटाक्ट, रैपअप सब यूज करा है? रैपअप नहीं किया। अच्छा, रैपअप अभी नहीं किया। रैपअप की जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत ही नहीं पड़ी। आपके फसल में कोई बीमारी अभी तक आई? नहीं, कोई बीमारी नहीं है और बहुत ही फर्स्ट क्लास है। देखिए, एकदम फर्स्ट क्लास फूल आ रहा है, फर्स्ट क्लास मिर्च आ रही है। मिर्च अभी दिखाएंगे आपको, थोड़ा आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी। पौधा दिखाऊं? ये है, ये देख सकते हैं, थोड़ा जूम करूंगा मैं इसको। हाँ, ये है। कोई बीमारी नहीं है, मिर्च से लदा पड़ा है पूरा फल। और ये देखेंगे पूरा, और दिखाएंगे सर थोड़ा और आगे चलते हैं आगे। मिर्च की लंबाई, हाइट, यहाँ देखिए, ये बहुत अच्छी हाइट है मिर्च की, लंबी है और कलर भी बहुत अच्छा है। जो काला कलर पड़ जाता है मिर्च का ना, काला नहीं है। वो बेकार हो जाता है, लाइट ग्रीन कलर है, बहुत अच्छा कलर है। और दिखाते हैं आपको मैं, हर पौधे पे मिर्च है, ये देखिए, हर पौधे पे मिर्च है यहाँ पर, और फूल से लदा हुआ। और फूल भी देख रहे होंगे अभी, यहाँ पूरे खेत में आप फूल ही फूल देखेंगे अभी। ये खेत इसमें सबसे पहले 15 दिन का हुआ है, 1 महीने 15 दिन का खेत हुआ है ये। अच्छा अच्छा सर, और बहुत अच्छा कुछ पौधे लग रहे हैं मुझे, बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पर। 1 महीने 15 दिन की पौधा है। जब किसानों की फसल अच्छी होती, सबसे बड़ी बात सर ये है कि लोग केमिकल में, कितना केमिकल लगाते हैं मिर्च की खेती में? केमिकल बहुत ज्यादा लगा देते हैं लोग, हर तीसरे दिन स्प्रे मारते हैं। हाँ। और आपने कोई केमिकल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी? केमिकल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत ही नहीं पड़ी। देखा जाए तो आपकी जो पूरी खेती जो है वो जैविक है। जैविक है। और ऐसी जैविक खेती सिर्फ नेटसर बायोफिट ही दे सकता है? नहीं, नेटसर बायोफिट से अच्छी कोई नहीं दे सकता। क्योंकि आपके, आपको जानकारी में होगा, आपके क्षेत्र में काफी लोग मतलब कुछ हाथ की बनाई हुई जैविक भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। है ना, जैसे गन्ने की मैली हो गई या कुछ भी हो गई, लेकिन उसमें इसमें कोई टक्कर ही नहीं है। इसमें अंतर बहुत है, है ना, क्योंकि ये हमारे नेटसर्फ की खुद की रिसर्च लैब में रिसर्च करके बनाए हुए प्रोडक्ट है हमारे, जो भी हम यूज कराते हैं किसानों को। और बहुत अच्छा लग रहा है, खेत में कोई रोग नहीं है। और आपके अलावा मिर्च और भी लोगों ने करी है यहाँ पर? मिर्च तो खूब है लेकिन बढ़िया नहीं है, उनके में वायरस घूमना, इस तरह की बीमारी आ रही है, लेकिन आपके खेत में कोई रोग नजर नहीं आ रहा। मेरे खेत में कोई रोग। और चले, और आगे चलते हैं सर, जरूर थोड़ा देखते हैं पूरे फसल को, फोकस करते हैं। हेलमेट का है, चलो आगे देखते हैं। बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आया है यहाँ पर, और आंवला में चौथा रिजल्ट है मिर्च का। ये है, ये देखिए, हर पौधे में मिर्च है। ऐसी थोड़ा जल्दी जल्दी मिर्च दिखाइए, हर पौधे में मिर्च है। और मिर्च की हाइट भी अभी दिखाएंगे आपको, हर पौधे में मिर्च है, मिर्च में कोई कोई रोग नहीं है, फूल जबरदस्त है, अभी मिर्च टूटने वाली है सर। ये एक आध मिर्च हाइट दिखानी है, मिर्च तोड़ लीजिए एक, मिर्च की लंबाई, मिर्च की लंबाई, ये है मिर्च की लंबाई, मेरी एक हथेली के बराबर होगी लगभग, हथेली से थोड़ी छोटी, ये देखिए। और मिर्च का कलर बड़ा प्यारा है, कलर तो इसमें बहुत ही अच्छा रहता है। मैंने ये देखा है, टेस्ट करके भी देखा है कि जो जिस पे ज्यादा केमिकल लगता है उन, वो मिर्च का जो कलर होता है वो काला हो जाता है, वो मिर्च का कलर बढ़िया रहता ही नहीं है, बहुत ही अच्छा। धीरेन्द्र जी, कैसा, क्या आपने खेत देखा, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लग रहा है खेत, और बढ़िया है खेत इस समय, मतलब नेट सर्फ का जो हमारा स्टिमरिज, बायो 95 और इंटाक्ट, ये जो प्रोडक्ट हैं इनको लगाने से ना तो खेत में कोई रोग आया, पैदावार बड़ी साफ स्वच्छ और अधिक है, अच्छी है। और फूल हर पौधे पे, मिर्च तो है ही है, फूल भी जबरदस्त है, आप देख रहे हैं ये सब फूल बहुत ही ज्यादा, और फूल गिरा भी नहीं है बिल्कुल नहीं। यह क्यारी में दिखाते हैं आपको,
फूल गिरने की समस्या बिल्कुल नहीं है। इधर देखो, देखिए मिर्च, ये डेढ़ महीने का पौधा है, सब सब पूरी पौधी डेढ़ महीने की, पूरी पूरी फसल ये डेढ़ महीने की है आपकी। हाँ। जहाँ भी देखेंगे दोस्त मिर्च ही मिर्च, किसी ऐसा कोई एक पौधा नहीं है जो पौधा खाली हो। और सबसे बड़ी बात मिर्च में रोग आने की, किसान मिर्च करने से डरता है तो सिर्फ बीमारी से। ये देखो बहुत बढ़िया रिजल्ट आया सर, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और सभी किसानों को सर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा नेट सर्फ इस्तेमाल करें, नेट सर्फ इस्तेमाल करें। हाँ। नेट सर्फ के प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करें, जैविक खेती करें। जैविक खेती सर आपकी लागत केमिकल से ज्यादा आ रही है, कम आ रही है? लागत कम आ रही है, ज्यादा नहीं आ रही है, लागत कम आ रही है। सबसे बड़ी बात क्या, आपको बार बार स्प्रे तीन तीन चार दिन में लगानी होती है? दस बारह दिन में, पंद्रह दिन में, एक स्प्रे 15 दिन के बीच में लगाते हैं, बीच में एक स्टिमुलर जो 12 एंटीफाइव स्प्रे करते हो। इंटैक्ट लगाया अभी इस पे? अभी इंटैक्ट इंटैक्ट भी लगाया। कितनी बार लगाया आप इंटैक्ट? तो हर 15-12 दिन में लग जाता है, 12 दिन में लग जाता है। यही कारण है कि आपके हमारा कीटनाशक है इंटैक्ट जिसका नाम है, वो कीटनाशक है और उसको पहले लगाने से रोग नहीं आता। इसमें सूढ़ी वगैरह कुछ आई नहीं है, कोई सूढ़ी नहीं आई, कोई घूमे, कोई वायरस, कोई रोग नहीं है। जबकि सर आप तो किसान हो और मिर्च की खेती बहुत लंबे समय से कर रहे हो, मिर्च में बीमारी ना आए ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल था ही नहीं, लेकिन इसने बहुत अच्छा किया नेट सर, है ना, बढ़िया, बिल्कुल रोग रहे, साफ सुथरी फसल दिख रही है आपकी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सभी किसान भाई बिना केमिकल लगाए, बिना डीएपी यूरिया लगाए या उसको थोड़ा हल्के हल्के कम करते हुए जैविक पे आ सकते हैं। और जैविक लगाने से पौधों में तो बीमारी नहीं आई, जब हमारी मिट्टी स्वस्थ होगी तो हम इस फसल को खाएंगे तो हमें भी बीमारी नहीं आएगी। हाँ, बीमारी। तो सभी